बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान पर जोरदार हंगामा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश को बदनाम किया। बीएसपी के संस्थापक काशीराम की जयंती, आज मायावती ने दी काशीराम को श्रद्धांजलि। 69,000 भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे अभ्यर्थी, अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। सहायक शिक्षा भर्ती को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा बीजेपी दलित पिछड़ों का हक मारती है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आज सदन के बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन है, तो वहीं विपक्ष अडानी हिंडनबर्ग मामले पर जेपीसी की मांग को बरकरार रख सकता है। बता दें कि इसी मामले को लेकर सदन के दोनों सदनों में सोमवार और मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों दिन सदन को स्थगित कर दिया गया। बता दें आज भी सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लखनऊ में बीएसपी के संस्थापक काशीराम की आज जयंती मनाई गई, तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने काशीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, तो वहीं इस मौके पर कई नेताओं ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में 69,000 भर्ती में अभ्यर्थी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षा मंत्री के आवास पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया है। कहने के लिए ओबीसी के मंत्री हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है, कहे नहीं सुनते हैं। सुनेंगे तो निकाल दिए जाएंगे उसी दिन पार्टी से, सीबीआई हो जाएगी, ईडी हो जाएगी इनके ऊपर। कहने के लिए ओबीसी के मंत्री हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है, कहे नहीं सुनते हैं। सुनेंगे तो निकाल दिए जाएंगे उसी दिन पार्टी से, सीबीआई हो जाएगी, ईडी हो जाएगी इनके ऊपर। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां गांव का हाल बहुत दयनीय है। बता दी कि गांव में रहने वाले गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा का कोई मंदिर नहीं है, शहर को जोड़ने के लिए सड़क नहीं है, यहां तक कि बरसात के मौसम में लोगों के घरों से लेकर आने जाने वाले कच्चे रास्ते पर जल भराव हो जाता है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को बार बार पीड़ा बताने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकाला गया, जिस से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इन गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और जिस वजह से ये लोग इन समस्याओं के साथ अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एलबीसी कार्यालय में कई वर्षों से सरकारी कामकाज एक प्राइवेट व्यक्ति संभालता है। अपर जिला अधिकारी के तहत आने वाले एलबीसी कार्यालय के समस्त दस्तावेज ओके देखरेख यह अनाधिकृत व्यक्ति ही करता है। बता दें कि 4 वर्षों से लगातार एलबीसी पटल से संबंधित बाबू के स्वीकृति से सारे काम यही व्यक्ति ही करता है। सरकारी कागजात के देखरेख करने और कंप्यूटर पर काम करते हुए इस व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारी संजीव रंजन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि जल्द ही मामले की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सुल्तानपुर के हरिपुर गांव में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, वहीं बदमाशों की गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हुआ है। बता दें कि एक दंपत्ति सूरापुर स्थित बिजोथुआ महावीरन धाम जा रहे थे
कि तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक करके रोक लिया और तमंचे से धमकाकर पत्नी के गले से सोने की चेन और अंगूठी छीनकर भाग गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अवैध असलहा निकालकर दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिससे एक सिपाही को गोली लगी। जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी। सभी को घायल अवस्था में CHC लाया गया। घटना की सूचना ACP विपुल श्रीवास्तव और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। कल दिनांक 14/3/23 को शाम को करौंदी कला के समुदाय के पास लूट की घटना घटित हुई, जिस पर करौंदी कला पुलिस द्वारा सभी मार्गों पर घेराबंदी करके चेकिंग की जा रही थी, वो अपराधियों का पीछा किया जा रहा था। परशुरामपुर के पास कांस्टेबल परवेंद्र और कांस्टेबल गगनदीप द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी दो संदिग्ध व्यक्ति जिनका नाम कामता पाठक और मोनू यादव को पकड़ा गया था, जिनसे पूछताछ की जा रही थी। तभी पीड़ित राहुल द्वारा थाने पर आके दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दिया गया, FIR पंजीकृत किया गया और संदिग्धों से जब पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने स्वीकार किया कि 12 मार्च को उन्होंने दिन दहाड़े सूरापुर मुरला मार्ग पर एक लूट की घटना की है। सर्व ब्राह्मण महिला संगठन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो वहीं एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। समारोह का शुभारंभ ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने दीप जलाकर किया। संस्था की ओर से महिलाओं ने राधे कृष्णा के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर फूलों की होली खेलकर फगुआ गीतों पर धमाल मचाने के साथ ही फैंसी ड्रेस में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं संस्था की अध्यक्ष राजलक्ष्मी शुक्ला ने कहा कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें दुश्मन को भी गले लगा लिया जाता है। वहीं पूरे कार्यक्रम का संचालन अंजू दुबे ने किया। हम लोगों का जो मुख्य जो त्यौहार होते हैं उनमें होली का त्यौहार होती है, जो कि रंगारंग और बड़ा ही उत्साहपूर्ण त्यौहार होता है। और ये जो सर्व ब्राह्मण महिला संगठन है, इसने बड़े ही उत्साह से इस कार्यक्रम को मनाया है और हम लोग हर साल इसी तरीके से इस कार्यक्रम को मनाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, दुश्मनी ना करें और अपने अच्छे भाव रखें एक दूसरे को, जैसा कि होली में हम लोगों के यहाँ होता आया है। ये हम लोगों की परंपरा है कि जो दुश्मन भी होते हैं वो भी गले लगा लिए जाते हैं आज के दिन। तो ये हम लोगों की जो सनातन धर्म की जो ये परंपरा है, ये बहुत ही अच्छी सोच और अच्छी परंपरा है कि हम लोग सब लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाते हैं। आज का प्रोग्राम होली का प्रोग्राम है, जिसमें सर्व ब्राह्मण महिला संगठन की तरफ से हम लोग सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं और होली के उपलक्ष्य में इसका प्रोग्राम रखा गया है। इसमें रंगारंग प्रोग्राम में संगीत, लोकगीत, फैंसी ड्रेस और डांस रखा गया है। शशि मिश्रा। औरैया में कुछ दिन पहले हुए हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले दिव्यापुर स्कूल में पेपर देकर लौट रहे ऑटो सवार छात्रों के ऑटो में गैस टैंकर ने सामने से टक्कर मार दी थी, जिसमें एक छात्र और ऑटो ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और 7 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी घटना के बाद से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है और ऑटो पर अवैध तरीके से लगाए सीटों को लेकर 4 पहियों के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि देवकली चौराहे पर ऑटो में एक्स्ट्रा सीटें लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जहां ऑटो और 4 पहिया वाहनों में जाल वगैरह पाए जाने पर तत्काल कटवाया गया और चालान किए गए, वहीं हिदायत भी दी गई। यातायात नियमों का पालन करने के लिए आज ट्रैफिक CO द्वारा चालान किए गए हैं और कुछ जो ऑटो में अतिरिक्त सीटें लगी थी उनको हटाया गया। क्या अक्सर देखा जाता है जो टेम्पो है वो नियमों के विरुद्ध जो है ऑटो में अलग से सीट लगा लेते हैं और कई बार ये भी देखा जाता है कि अभिभावक भी उसका ध्यान नहीं देते हैं और अपने बच्चों को एक ग्रुप में जो है 5-10 लोग इकट्ठा करके एक ही टेम्पो में स्कूल भेज देते हैं, तो जिससे एक एक दुखद घटना हमारे दिल्लीपुर में हुई थी। तो इसमें अभियान चला के बहुत अच्छा काम CO ट्रैफिक के द्वारा अपने नेतृत्व में कराया गया है, जो एडिशनल जो बीच में सीट लगा लेते हैं जो नियम के विरुद्ध है और पीछे भी कई बार देखते हैं कि बम्पर के पीछे लगा रहता है, उसको लोग खड़े हो जाते हैं।
देवरिया के पुलिस लाइन जनपद में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा द्वारा 71वीं गोरखपुर जोन की अंतर जनपदीय पुलिस वॉलीबॉल बास्केटबॉल योगा और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि द्वारा सभी जनपदों में संबंधित खेलों की टीमों की परेड की सलामी ली दी गई। साथ ही वॉलीबॉल को नेट पार कराकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मामला है हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना कस्बे के इमिलिया थोक मोहल्ले का, जहां एक विवाहिता का आरोप है कि उसके पति ने दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसके 6 महीने के बच्चे को और उसको जमकर मारा, जिससे उसके बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि महिला की शादी जालौन जिले के खुटमिली गांव में हुई थी, जिसके बाद वह लगातार दहेज को लेकर मारपीट करता था। घटना के बाद पीड़िता ने सुमेरपुर थाने में शिकायत की है। वहीं पुलिस ने अब इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम भैया आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुमेरपुर। क्या कुछ मामला हुआ है जिसको लेकर कि आपने सुमेरपुर थाने में शिकायत की है? अरे मामला ये हुआ कि जब से शादी हुई तो वो सही तरीके से रख भी नहीं रहा था और पैसे की डिमांड ज़्यादा कर रहा था। प्लस कह रहा था मैं मोटरसाइकिल चाहिए, हमने कहा भाई मोटरसाइकिल तुमको मिल जाएगी, अभी हमारे पास पैसे नहीं, मिल जाएगी बाद में। तो आए दिन बस मारपीट करता रहता था, फिर यहाँ आया, यहाँ से अपना जहाँ बड़ोदरा में रहता था वहाँ ले गया और वहाँ पर मारने लगा बच्ची को और कहने लगा पैसे भेजो। हमने कहा ठीक है पैसे भेज देंगे। और क्या नाम है आपका? अंजलि वर्मा। क्या मामला है थाने में? मेरी 2 साल पहले महोबा से सम्मेलन से शादी हुई थी, तो तभी से वो मारपीट करने लगे थे और उसके दहेज के मामले में वो करते थे कि मुझे सोने की चैन चाहिए, गाड़ी चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, मारपीट करते थे। और फिर मेरा बच्चा भी हुआ तो उसे भी मार डाला उन्होंने। पैसे क्या हुए? बच्चे को मारा था, फेंक भी दिया था बेड पे, तो बच्चा खत्म हो गया। कहाँ पे हुआ आपके साथ? उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।